Hi guys, welcome back to the channel guys and you watching Deep's Creation and I am Dipanshu Deep. So let's start this vlog. So I am back with a new another vlog. जो व्लॉग होने वाला है मेरी स्कूटी के ऊपर, जो भी ये मॉडिफिकेशन हुई थी इस पर अभी तक, तो उसके बारे में हमने काफ़ी टाइम हो गया कि कुछ बात नहीं हुई और मैंने कुछ भी बताया नहीं इसके बारे में कि ये मॉडिफिकेशन हुई थी तो कहाँ से हुई थी और किस तरह से हुई थी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइसिंग के बारे में और वीडियो के मतलब इसके रिस्पॉन्स के बारे में, जो भी इसमें मैंने काम करवाया था। इसको ऑलमोस्ट हो चुके 3 मंथ्स और 3 मंथ्स के बाद मुझे एटलीस्ट ये पता चल चुका है कि इसके रिस्पॉन्स किस तरह से था और मतलब किस तरह की मुझे प्रॉब्लम्स हुई है। तो इसी के साथ मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं छोड़, मतलब भूलना ही नहीं है यार, क्योंकि कमेंट करोगे तभी मुझे पता लगेगा कि वीडियो किस तरह से बनी है और मतलब आपको क्या चीज़ पसंद आ रही है और क्या चीज़ नहीं पसंद आ रही है और आप किस तरीके की मॉडिफिकेशन आगे इस स्कूटी में देखना चाहते हैं या फिर आगे और चीज़ों में किस तरीके की मॉडिफिकेशन देखना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज़, आप जैसे कि देख सकते हो स्कूटी मेरे बिल्कुल बैक साइड में ही है और अभी मैं इसके बारे में बता देता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको दिखाया था कि ये काम कहाँ से हुआ था और किस तरह से हुआ था। तो चलते हैं उसी दिन की ओर, जो दिन था 8 जुलाई 2020, तो जिस टाइम ये मॉडिफिकेशन मैंने स्टार्ट की थी इसके ऊपर। तो जो भी वीडियोज़ मेरे पास क्लिप थी उसको मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो स्टार्ट, my mind is breathing in, break out, I've got to see, spent all my life holding all of it closely, I played it innocent, a feel of discontent, I'm finally facing it all, fearless. की शॉप पर एंड यहाँ पर भैया आपको दिख जाएंगे काम करते हुए। तो आज हमारी स्कूटी का कुछ काम हो रहा है यहाँ पर, इसमें मैं लाइट्स इंस्टॉल करवा रहा हूँ, LED लाइट्स। तो देखते हैं कैसा रहता है कुछ, मैं काम होने के बाद आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से क्या क्या काम हुआ है यहाँ। इसमें हैज़ार्ड की लाइट्स भी इसमें फिटिंग करा रहा हूँ और कुछ इस टाइप का बटन मैंने लिया है स्विच जो इसमें लगने वाला है। देखते हैं सब काम कैसे रहता है। तो गाइस, आज मैं आया था इस मार्केट में जो कि है झंडे वालन पे, और जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये मार्केट कहाँ पड़ने वाली है। तो ये मार्केट पड़ने वाली है झंडे वाले की साइड, और झंडे वाले ये रास्ता जो आ रहा है ये आ रहा है सर्कल की साइड से, झंडे वाले के बाद जो मेन सर्कल है वहाँ से रास्ता आ रहा है। ये ईदगाह रोड पड़ता है और इधर की साइड ये रोड पड़ता है ईदगाह रोड की साइड ये रास्ता जा रहा है, और बिल्कुल झंडे वाले का जो गेट है उससे नेक्स्ट बिल्कुल ये कट पड़ता है। तो आप यहाँ पे आ सकते हो अपना काम करवाने, मैं भी यहीं अपना काम करवाना है। बाकी मैं आपको दिखा दूँगा कि मेरा काम किस तरह से हुआ है और क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है, वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखा दूँगा। गाइस, मार्केट कुछ ऐसी दिखती है और आप देख सकते हो यहाँ पे अंदर पूरी मार्केट है। यहाँ पे आपको मीटर्स, कार के मीटर, स्कूटी के मीटर्स एंड खैरात का जो भी काम हो सकता है वो सारा काम, और यहाँ पे एक शॉप है, यहाँ पे आप सब कुछ लगवा सकते हो। जैसे कि मेरी स्कूटी खड़ी है और मैं यहाँ पे अपना मडगार्ड लगवा रहा हूँ, उसमें मैंने चेंज किया है मडगार्ड क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कंडीशन उसकी ख़राब हो गई थी। सो एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कि ये जो रास्ता आ रहा है ये आ रहा है सर्कल की साइड से, झंडे वाले सर्कल, और ये ईदगाह रोड है, ये ईदगाह रोड की साइड जाता है। और अगर आप इधर देखो तो ये झंडे वाले का मेन गेट है और नेक्स्ट बिल्कुल ये मार्केट है। तो आप आ सकते हो यहाँ पे अपना काम करवाने। तो देखते हैं अब काम कैसा रहता है आगे वीडियो में। तो भाई, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे गाड़ी का काम स्टार्ट हो चुका है, मडगार्ड उतर रहा है।
तो देखते हैं आप कैसा रहता है कुछ। एक बार आपको अपनी स्कूटी की पूरी कंडीशन दिखा देता हूँ कि किस तरीके की कंडीशन है। तो ये साइड जो है ये तो काफ़ी चेंज हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे मेरा नया पैनल लगा था, ये मैंने इस पर क्लेम लिया था। तो मैं जो चेंज करवा रहा हूँ वो होने वाला है ये पार्ट, क्योंकि इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। ये चीज़ चेंज करा रहा हूँ, अगर आपको पता लग रहा हो तो, कि इसमें देखो कितने सारे डेंट्स आ चुके हैं, और एक मडगार्ड फ्रंट का जो चेंज हो रहा है। तो ये तीन पार्ट चेंज हो रहे हैं, और फिर उसके बाद की लुक मैं आपको दिखाता हूँ कि चेंज होने के बाद कुछ और भी सोचा है मैंने। इसमें रैपिंग करवा रहा हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा लास्ट में वीडियो के, सारी चीज़ दिखाऊँगा लास्ट में। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि काम कहाँ से हुआ। सो गाइज, अभी आपने देखा कि किस तरह से काम हुआ था और कहाँ से हुआ था, तो आपको ये तो पता लग चुका है कि काम कहाँ से हुआ था और क्या क्या काम स्कूटी के अंदर हुआ है। तो अब इसके रिस्पांस की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसका रिस्पांस है, और अभी तक मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो क्या थी, तो उसके बारे में आपको अब बताया। तो नेक्स्ट, सो गाइज, जैसे कि ये है मेरी TVS Jupiter, जिसका मतलब काफ़ी बिल्कुल फेस तो चेंज हो चुका है, और मतलब फुल चेंज हो चुकी है। पहले ग्रे कलर में आती थी, और अब मैंने कुछ स्टिकनिंग इस तरीके की करवा दी है, और मेरी स्कूटी का कलर भी विजिबल हो रहा है, और इस तरह से आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा मतलब अच्छी लग रही है लुक वाइज। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका काम जो हुआ था वो कहाँ से, मतलब ये तो आपको पता लग चुका है कहाँ से हुआ था। नेक्स्ट अब हम ये बात कर लेते हैं कि इसका काम किस तरह से हुआ था, क्योंकि इसमें मेरे को एक प्रॉब्लम फेस हुई थी उस टाइम, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा सबसे पहले, सो गाइस, जैसे कि आपने वीडियो में देखा था कि मैंने इसमें हैजार्ड लगवाया था, तो हैजार्ड में मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई थी उस टाइम, क्योंकि हैजार्ड के ना जो स्विच की सेटिंग थी, वो जिस भैया ने काम किया था इसके अंदर, उसकी सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब कुछ वायरिंग उल्टी सीधी लगा दी उन्होंने, जिसकी वजह से ये हैजार्ड जब ऑन होता था तो मेरी हेडलाइट ब्लिंक करती थी इसके साथ। ये जो हेडलाइट है जैसे ये कुछ इस तरह से ब्लिंक करती थी इसके साथ, बट अब वो प्रॉब्लम रिसॉल्व हो चुकी है, क्योंकि मैं उसी शॉप पर दोबारा गया था, मैंने भैया को बताया कि इस तरीके की प्रॉब्लम मेरे को फेस हो रही है, तो उन्होंने खोल करके देखा और वायरिंग चेंज करी कि मतलब किस तरह से वो मतलब फिटिंग होनी चाहिए थी उस वायरिंग, मतलब किस तरह से अटैच करनी थी उसके अंदर। तो उन्होंने वायरिंग बिल्कुल ठीक से लगा दी है, और अब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो हैजार्ड भी सही काम कर रहा है, और लाइट्स ऑन करने पर हैजार्ड पहले बंद हो रहा था, बट अब आप देख सकते हो कि लाइट्स ऑन है और हैजार्ड एकदम ठीक काम कर रहा है। तो नाइट मोड में तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलती है। तो अब हम कर लेते हैं हैजार्ड के बाद, अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं, इसके अंदर मैंने इंडिकेटर्स चेंज करवाए थे, मतलब इंडिकेटर्स के अंदर जो लाइट्स होती है ना, वो मैंने LED लाइट्स लगवाई थी। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की LED लाइट्स थी, अगर आप देख पा रहे हो तो। तो अगर आपको विजिबल हो रही हो तो इस जगह ये LED लाइट्स मैंने इसमें लगवाई थी, तो इसका रिस्पॉन्स अभी तक बहुत ठीक है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मेरे को। सो अब मैं आगे इसमें दिखा देता हूँ, तो यही सेम पीछे भी यही लगी हुई है, कुछ भी मैंने इसमें किसी तरीके की कोई चेंज नहीं हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो। तो अब मैं आगे दिखा देता हूँ हैजार्ड के बाद, इसके अंदर मैंने लगवाया था ये लाइट, इसका बेस्ट पॉइंट है ये लाइट, इतनी अच्छी विजिबिलिटी देती है नाइट में। इसका मैं रिस्पॉन्स आपको वीडियो के भी बताने के बाद मैं आपको रिस्पॉन्स इसका दिखा दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये लाइट्स एंड ऑल, ये सारा काम अभी आपने देखा किस तरह से हुआ था, और मैंने इसमें लगवाए थे यहाँ पर कुछ इस तरीके के बोल्ट, तो ये मैंने चेंज कर दिया था उसके बाद, क्योंकि ये हट गया था। तो इसमें मैंने इतना ही होल किया है, अगर आप देख पा रहे हो ये देखो कि इसी तरीके, बट मैंने वो जो मिरर्स थे वो हटा दिए, बिकॉज मैंने इसमें दूसरे मिरर्स लगा दिए थे, और इतने ज़्यादा मिरर्स की मेरे को कोई ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। तो आप शायद इधर से देख पा रहे हो, तो
इसके अंदर मैं कुछ और लगाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी, तो देखते हैं क्या लगता है इसके अंदर, क्या चीज़ मेरे को समझ आती है और क्या चीज़ मेरे को पसंद आती है। तो लाइट का रिस्पॉन्स अब मैं आपको चेक करा देता हूँ, 3, 2, 1। सो गाइज ये है नाइट मोड और यहाँ पे मैं आपको लाइटिंग का रिस्पॉन्स चेक करा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह की लाइट्स अभी होने। तो पहले हम स्कूटी को कर लेते हैं स्टार्ट, और ये लाइट्स देख सकते हो क्या डिफरेंस है इसमें लाइट का। ये देखो लाइट्स ऑफ, ये लाइट्स ऑफ हो चुकी है, ये लाइट्स का रिस्पॉन्स है इसकी। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ब्राइट हो गई है लाइट। और चलो फिर क्या करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइज अभी आपने देखा इसकी लाइट का रिस्पॉन्स जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और मतलब पहले मेरे पे हेलोजन बल्ब लगे हुए थे इसके अंदर, उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल भी मतलब मेरे को लगता ही नहीं था कि विजिबिलिटी कुछ लाइट मेरे को दिख रही है रोड पर। बट जब से ये लाइट मैंने इसके अंदर इंस्टॉल की है LED लाइट, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी मिल रही है। तो अब मैं बता देता हूँ कि मैंने ये सब सामान कहाँ से लिया था। तो आपको कुछ लाइट का बॉक्स कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, तो आप देख सकते हो, और इसके अंदर कुछ इस तरह से थी ये सारी चीज़ें। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें पहले कुछ इस तरीके के बल्ब्स लगे आते थे, जो कि मैंने चेंज करके LED लगा दिए, और ये हैलोजन बल्ब इसमें पहले लगा हुआ था, तो ये चेंज हो चुका है LED लाइट से। और आप इसका बॉक्स देख सकते हो, इसके लिए कुछ केसिंग में आता है ये, यहाँ पे लाइट जो इसको आपको मिलेगी। तो शॉप का एड्रेस कुछ ये होने वाला है, आप देख सकते हो। तो आप जा सकते हो यहाँ से अगर आपको लेनी है तो, और आप यहाँ से नंबर भी ले सकते हो भैया का, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइस यहाँ से आप नंबर लेकर के भैया से बात कर सकते हो, और भैया से पूछ सकते हो क्या प्राइसिंग थी इस लाइट की, और स्क्रीनशॉट लेके भैया को व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो कि ये लाइट मेरे को चाहिए। तो अब मैं कुछ प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ। तो ये कुछ इसकी प्राइसिंग की लिस्ट थी, एक मिनट मैं इसको खोल लेता हूँ पहले। सो गाइज़ ये कुछ इसकी प्राइसिंग थी, तो प्राइसिंग तो आपको शायद समझ नहीं आ रही हो, बट मैं थोड़ा सा देख करके इसमें से बता देता हूँ कि प्राइसिंग किस तरीके से थी। तो इसकी जो प्राइसिंग थी, तो इसमें 1000 जो मैंने अंदर लगवाया था इसकी वजह से ये स्विच काम करता है, तो ये 1000। सो ये 1000 की प्राइसिंग जो है वो 350 है। और इस स्विच को अगर आप लगवाना चाहते हो 1000 के लिए, मैंने अलग से बाहर से परचेज़ किया था, तो ये 50 रुपीज़ का 1000 का स्विच था। तो इसके प्लेसिंग बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है, बिल्कुल स्नग फिट पे हो जाता है यहाँ पे, और किसी को पता नहीं लगता कि अलग से कुछ स्विच वगैरह लगा है इसके अंदर। और जो आप बल्ब देख सकते हो, तो मेरे को कुछ 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ये पड़े थे, और आप कुछ नेगोशिएबल करा लोगे तो शायद कम भी हो जाए। तो और इसमें देख सकते हो 600 की ये जो लाइट्स थी जो मैंने आगे दिखाई है, यहाँ पे ये लाइट जो लगी हुई है, ये मेरे को 600 की कॉस्टिंग की थी इसने। और ये लाइट 600 रुपये वर्थ है यार इसको लेना, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया है। और इसके अलावा कुछ इसमें ऐसा है नहीं। और इसके अलावा मैंने इसमें से मिरर लिए से, मिरर्स की जो कॉस्टिंग थी वो 350 थी, जो GT मिरर्स आते हैं उसकी पिक्चर्स मैं आपको डिस्प्ले पर शो कर देता हूँ एक बार किस तरीके से उसकी लुक से। और इसी के साथ वीडियो करते हैं हम एंड। सो गाइज इस तरीके की कुछ मॉडिफिकेशंस मैंने अपनी स्कूटी में करवाई थी, जिसकी कॉस्टिंग और क्या रिस्पॉन्स है मैंने आपको सब कुछ शेयर कर दिया है। और जो उसकी 1000 की सेटिंग थी वो थोड़ी सी बिगड़ गई थी उस टाइम, तो उसमें भी कोई फॉल्ट नहीं था, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, बट वो अब काफ़ी ज़्यादा रिजॉल्व हो चुकी है। भैया आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, आप भैया के पास जा सकते हो काम कराने, दीपक भी आपको मिल जाएंगे, रफ़ एंड टफ मोटर्स की शॉप है वो। तो मैं आपको उसका भी कार्ड एक बार दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, आप देख सकते हो अब। सो गाइस आप जा सकते हो काम करवाने अपना, बहुत अच्छा काम करते दीपक भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। और अब हम करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है मेरी स्कूटी की रैपिंग के ऊपर। रैपिंग आप देख सकते हो इसकी रैपिंग जो मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका लुक इंक्रीज जिसने किया है वो इसकी रैपिंग है। और नेक्स्ट वीडियो रैपिंग के ऊपर ही होने वाली है, किस शॉप से हुई है और किस प्राइस रेट में हुई है वो सारी चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है रैपिंग के ऊपर, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट कर दीजिए आप क्या देखना चाहते हो इस वीडियो के अंदर। और इसी के साथ काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो मैंने इसमें स्कूटी में लगाई थी, और नेक्स्ट जो लगने वाली है तो इसकी सीरीज़ आती रहेगी। ये पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 आएगा इसका, इसको रैपिंग के ऊपर होगा। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।